संघ को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि गुना न्यायालय के लिए नवीन भवन सिंहवासा ग्राम के नजदीक बनाया जा रहा है। कुटुंब न्यायालय और उपभोक्ता फोरम के न्यायालय पृथक स्थान पर बनाए जा रहे हैं, जो कि व्यापारिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि उक्त सभी न्यायालयों में अधिवक्ता के माध्यम से कार्यवाही संचालित होती है। तब ऐसी स्थिति में अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग दूरी पर एक समय में काम नहीं कर सकते। आने जाने में अधिवक्ता को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में जिस स्थान पर न्यायालय संचालित होता है उसमें सभी न्यायालय एक ही परिसर में संचालित हैं, जिससे अधिवक्ता सुविधा से काम कर रहे हैं। वर्तमान भवन उपयुक्त भवन है, नवीन भवन बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी कलेक्ट्रेट का भवन रिक्त पड़ा हुआ है, जिससे न्यायालय भवन के लिए अधिग्रहित किया जा सकता है। शासन की एकल खिड़की योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट गुना का नया भवन बनाया गया था और यह तय किया गया था कि सामान्य प्रशासन व राजस्व के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे बिल्डिंग में संचालित किए जाएंगे, लेकिन शासन की मंशा के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व परगना गुना व तहसील गुना कार्यालय सब रजिस्ट्रार अलग अलग भवनों में संचालित हो रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। इसलिए अभिभाषक संघ कहना चाहता है कि सभी कार्यालय कोर्ट भवन के पास हैं, इसलिए उक्त सभी कार्यालयों को कलेक्ट्रेट के नवीन भवन में पहुंचाया जाए, जिस स्थान पर ये संचालित हैं उक्त भूमि कोर्ट को भवन के लिए आवंटित किया जाए और पक्षकार की लड़ाई लड़ सकेंगे। पक्षकार को भी आने जाने में सुविधा होगी। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है आपके संदर्भ में। न्यायालय की नई बिल्डिंग बनाया जाना है और न्यायालय की नई बिल्डिंग तीन हिस्सों में अलग अलग जगह बनाई जा रही है। कुटुंब न्यायालय अलग बनेगा, उपभोक्ता फोरम अलग बनेगा और रेगुलर कोर्ट अलग बनेगी। तो हमारी ये शासन से और माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग है कि यदि शासन की स्कीमें कि सिंगल विंडो और एक ही छत के नीचे सभी कार्यालय होना चाहिए, तो उस स्कीम के विपरीत जाकर तीन स्थानों पर कोर्ट क्यों बनाई जा रही है? क्योंकि अभी भी हमें दिक्कत क्यों है कि जब नई कलेक्ट्रेट बनी थी तो ये तय किया गया था कि राजस्व के सभी कार्यालय एक ही छत के नीचे होंगे। देखने में ये आया है कि तहसील सामने स्थित है, कोर्ट बिल्डिंग के पीछे SDM है और कलेक्टर साहब अपनी कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग में बैठते हैं। तो एक ही समय में जब 3 बजे से बैठने का समय है तो वकील कलेक्ट्रेट जाएगा, उतनी देर में पक्षकार की आवाज़ SDM में लगती है तो SDM में भी आना पड़ता है, और फिर अगर तहसील में कार्रवाई शुरू हो गई तो एक ही आदमी को तहसील भी आना पड़ता है। तो एक आदमी तीन तीन जगह एक साथ काम नहीं कर सकता है अभी वर्तमान में, और जब ये 5 जगह बट जाएगी तो फिर काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी मांग है कि पुरानी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग जो है वो हमारे कोर्ट बिल्डिंग के पीछे है, इस बिल्डिंग को यहाँ से SDMC को शिफ्ट किया जाए और पुरानी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग हमारी कोर्ट बिल्डिंग को अधिग्रहित कर दी जाए और कोर्ट परिसर को बढ़ाया जाए बजाय नई जगह पहुँचाने के। ये धरना कब तक चलेगा सर? धरना आज ये सांकेतिक धरना एक दिवसीय है, ये 3 बजे तक का है। यदि हमारी मांग नहीं मानी गई और एक ही परिसर में सभी कोर्ट बिल्डिंग स्थापित नहीं की गई, दूर जगह कहीं बनाई गई, तो हमारा ये धरना आगे भी जारी रहेगा। और ये हमारा अधिवक्ताओं का धरना नहीं है, ये धरना आम नागरिकों के लिए सुविधा की धरना है, क्योंकि अभी हनुमान चौराहे पर कोर्ट बिल्डिंग स्थित होने से आम नागरिकों का ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का किराया खर्चा नहीं लगता है। जब ये बिल्डिंग सिंहवासा पहुंच जाएगी, ये बिल्डिंग नानाखेड़ी पहुंच जाएगी या हड्डी मिल पहुंच जाएगी, तो आम आदमी को जाने के लिए लगभग आने जाने में 400-500 रुपये अतिरिक्त खर्च होंगे। और मेरी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से अनुरोध है इस धरने के माध्यम से कि सिसोदिया जी बमोरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, और चूंकि अब रावगढ़ ADJ न्यायालय अलग बन गया है और वर्तमान न्यायालय में गुना शहर का और बमोरी विधानसभा का आदमी अपने काम के लिए आता है, कम से कम अगर मंत्री जी हमारे गुना शहर के बारे में नहीं सोचते हैं तो न सोचें, कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र बमोरी की जनता के बारे में सोचें, क्योंकि उनकी बमोरी की जनता पेशी करने आएगी और सिंहवासा जाएगी तो कितनी दूरी उसको तय करना पड़ेगी ये मंत्री जी खुद विचार कर सकते हैं। और कम से कम 500 रुपये उसकी जेब पर अतिरिक्त भार